बोलिए देवादिदेव एक 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए देवादिदेव एक 1008 नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जब बोलिए पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जब बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी विभोर सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, सागर नगर के इस भगवानगंज में देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं समस्त सागर वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करके मंगल आशीर्वाद की कामना करते हुए। हाथ जोड़िएगा, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूं, आज आपको एक ऐसे शख्स से परिचित करा रहा हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव के बगल में आप देखे बैठे हुए पूज्य श्री संधान सागर जी महाराज, इनके ग्रस्त जीवन के बड़े भाई मोनू जी काला यहां पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ जयपुर से मैं उनको मंच के निकट तक बुला रहा हूं और हमारी इस कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। मोनू भैया से निवेदन करता हूं कृपया वो मंच के निकट आए और उनका अभिनंदन करेगा। सपत्नी पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंच रहे मोनू भैया, ये वही मोनू भैया है जिन्होंने संधान सागर मारे रोहित भैया को अपनी गोदी में खिलाया होगा, अपनी गोदी में खिलाया होगा। कैसे, जिनके चरण स्पर्श करते रहे संधान सागर जी महाराज के पूर्व पर्याय रोहित भैया, आज बड़े भाई हैं जिनके चरण स्पर्श करते रहे रोहित भैया, आज वो स्वयं उनके चरणों में झुकने के लिए आए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं मोनू भैया आशीर्वाद ले रहे हैं और मैं निवेदन करता हूं महेश भैया आपसे निवेदन करता हूं, इनका अभिनंदन तो आपके द्वारा जरूर होना चाहिए। कमेटी पूरी यहां पर उपस्थित है, आए और इनका अभिनंदन कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। और महिला वर्ग से मैं चाहूंगा कि यहां पर जो भी रानू जी कर्रापुर आ जाए, इनका अभिनंदन करने के लिए पहुंच रही है, भाभी जी का अभिनंदन करने के लिए तिलक बंधन कर। और अपना प्रथम प्रश्न भी मोनू भैया से निवेदन करूंगा कि आज सबसे पहला प्रश्न आप ही पूजी जोरदार करतर ध्वनि से उनका बहुत 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 अभिनंदन कर रहे हैं। यह सम्मान पट्टी उनके हमारे समाज के अध्यक्ष माननीय महेश भैया बलेरा और हमारे भाभी जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं प्रथम प्रश्न के लिए मोनू भैया से। बोलो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आगम के अनुसार अपन को दिल्ली छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए? क्या आगम के अनुसार दिल्ली को मंदिर की दिल्ली को छूना चाहिए नहीं छूना चाहिए? मंदिर की देहरी को छूना चाहिए कि नहीं? देखो, जिन प्रति हस्त प्रतिमा तदालया तन निषद का स्थानी ते ताश्च ते च तानि च भवन्ति भवघात हेतवो भव्याना। जिनपति उनकी प्रतिमा और उनके आलय और उनके निषद्ध का स्थान जहाँ से उन्हें निर्वाण आदि प्राप्त हुए, वे सब भव्य जीवों के भव के घात के कारण हैं, तो जिनालय भी हमारे लिए वंदनीय हैं। तो मंदिर की देहरी को छूने की पुरानी परंपरा थी, द्वार छोटे होते थे, लोग देहरी को प्रणाम करके अंदर जाते थे। आजकल परंपरा थोड़ी बदल गई है, लेकिन उत्तम यही है कि आप मंदिर की भी वंदना करें, ऐसा आगम का विधान है। आज आपने बीच मोनू भाई है, बड़ा धार्मिक परिवार, जैसे संधान सागर जी हैं वैसे ही हम तो जयपुर में इनको देखे ही हैं, आज आपके बीच आए हैं, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चलिए, और अब मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर महाराज जी के चरणों की वंदना करती हूँ। भो स्वामी, आज आपके श्रीयुतमुख से शंका समाधान का शुभारंभ। आज का पहला प्रश्न जो है यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर मंदिर का शिलान्यास या मंदिर का निर्माण हो गुरुदेव के आशीर्वाद से
और चंद्रशेखर जी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। विदिशा से अपने बीच में चंद्रशेखर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में राहुल जी, सेलू जी, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बंधु। राहुल, शैलेंद्र जी और निर्मल मास्टर जी आ जाएं उनके साथ में। गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और चंद्रशेखर भैया का महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पण, जब याद करें तभी वे हाजिर हो जाते हैं। आप लोग ताली बहुत कंजूसी से बजी है, उसको थोड़ा तेज बजाते हैं। चलिए अगला नाम, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संस्कृति का विकास पहले हुआ या धर्म पहले आया? क्या संस्कृति के बिना धर्म जिंदा रह सकता है, या संस्कृति बिगड़ती है तो धर्म जिंदा रह सकता है क्या? बहुत अच्छा सवाल आपका। दो सवाल है, संस्कृति का विकास पहले हुआ या धर्म, और दूसरी बात, क्या संस्कृति के बिना धर्म जिंदा रह सकता है। दोनों बातें एक दूसरे से संबद्ध है। आपने जो पहले पूछा है कि संस्कृति का विकास पहले हुआ या धर्म, तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो आर्किटेक्ट हो, आपकी ही भाषा में कहूँगा, पहले मंदिर बनता है या पहले मंदिर बनता है या मंदिर में पूजा होती? नहीं महाराज श्री, पूजा तो पहले नहीं होगी मंदिर में, पहले मंदिर बनेगा। लेकिन अगर हम सुसंस्कृत हों, मेरी बात सुनो, वही उत्तर है। मंदिर का निर्माण हमारी संस्कृति है और भगवान की पूजा हमारा धर्म। संस्कृति है तो मंदिर है, और मंदिर है तो धर्म है। अगर हम ये बात, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, हम जब कर्म युग की स्थापना हुई, भोग युग से कर्म युग की ओर मुड़े, उस इतिहास की बात आप सबसे कहना चाहूंगा। जिस दिन अयोध्या नगरी की रचना हुई, उसी दिन अयोध्या में जिनालय की स्थापना हुई। जब तक संस्कृति है तभी तक धर्म है, इसलिए धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो तो संस्कृति को पुष्ट करने का यत्न करते रहिए। समझ गए? अगर संस्कृतियां नष्ट होगी तो धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। दूसरे तरह से मैं आपको कहना चाहूंगा, सड़क पर चलते चलते जगह जगह माइल स्टोन गड़े होते हैं। माइल स्टोन का काम क्या है? जितने माइल स्टोन या साइन बोर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपको रास्ता बताते हैं। और अगर वो अपनी जगह बने हुए हैं तो हमारा रास्ता सुगम होता है, और जिस रास्ते पर कोई मार्ग सूचक पट्ट नहीं होता वो रास्ता ही एक दिन उखड़ जाता है। तो ये माइल स्टोन हमारी संस्कृति है, और सड़क पर चलना हमारा धर्म है। तो जब तक संस्कृति है तब तक धर्म है, हमें ये बात। देवेंद्र जी जैन, जैना स्टील परिवार, साथ में ही भाग्योदय के समस्त ट्रस्टी उनके साथ में रहेंगे, और इसके बाद में तैयार रहेंगे मेरू जैन, मनोज स्टील परिवार। नमोस्तु भगवान। देवेंद्र जी गुणायतन के जो है वो संस्थापक सदस्य के रूप में भी जुड़े हैं, भाग्योदय के बहुत सारे ट्रस्टी में भी सब जगह जुड़े हैं। बोलो जुड़े। चलो नमोस्तु भगवान। भगवान, जब शक्कर की चाशनी बनाते हैं तो पतली हो जाती है तो शक्कर डाल के उसे गाढ़ी कर लेते हैं। अपनी पुण्य की चाशनी जब पतली होने लगती है उसमें क्या डालना चाहिए ताकि वो गाढ़ी हो जाए? देखिए, शक्कर की चाशनी में शक्कर डालना एक उपाय है, और दूसरा उपाय यह है कि उसको थोड़ा ज़्यादा औटा लेना। तो पुण्य की चाशनी अगर ढीली हो जाए, थोड़ी पतली हो जाए, तो कुछ घबराने की बात नहीं है, उसका ताप थोड़ा और बढ़ा दो। तपस्या करोगे पुण्य गाढ़ा होगा, ताप बढ़ाइए और विकल्प मिटाइए, आगे बढ़ते जाए। चलिए मेरू जी जैन, मनोज स्टील परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे हरिश्चंद्र जी जैन, जो पूज्य स्वरूप सागर जी महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के पिताश्री हैं, वो भी गुणायतन के संस्थापक सदस्य हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री।
महाराष्ट्र जी, मेरा प्रश्न ये है कि वैसे भी हमारी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, उसमें भी छोटे छोटे और अलग अलग समाज के अंदर ही डिवीजन होते जा रहे हैं, जिससे समाज के लोग में मतभेद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारी समाज एक बन के कैसे रहेगी? देखिए, ये स्वाभाविक है। एक पेड़ होता है ना, पेड़ जितना बड़ा होगा उसकी उतनी ब्रांचेज फैलेगी कि नहीं फैलेगी? हाँ, अब कोई सोचे पेड़ की ब्रांचेज ना फैले, और सुनो, बरगद का पेड़ होता है ना, तो बरगद के साथ तो और अलग स्थिति होती है। क्या बन जाती है? बरगद के पेड़ में मेन ब्रांच के अलावा भी ऊपर से नीचे आके ब्रांचेज बन जाती, और वो जो जटाएं निकलती है वो कुछ दिनों बाद दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे यही असली है। और कई जगह तो ऐसा होता है, उन जटाओं के कारण मूल तने का ही पता नहीं चलता। अब ये स्वाभाविक है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वे हैं क्या? पेड़ के ही तो अंग है ना, पेड़ के ही अंग है। तो बस शाखा प्रशाखा कितनी भी क्यों ना फैले, जड़ से जुड़े रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। हमारे धर्म में कितने भी पंथ हो, कितनी भी परंपराएं हो, हमारी निष्ठा एक होनी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। पंथों में हमें कोई नुकसान नहीं, नुकसान पंथवाद में है। अपने आप को पंथवादी मनोवृत्ति से बाहर लाना। सागर नगर के गौरव छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज जी, जो संघ के भी गौरव हैं, ऐसे उनके गृहस्थ अवस्था के पिता श्री हरिश्चंद्र जी जैन ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद में तैयार हैं श्री संतोष जी बिलेरा सागर गुणायतन के। नमोस्तु महाराज जी, सभी छुल्लक जी को इच्छा में प्रकार मुनि बताते हैं, बुलाक बकोस खुशी निर्गंध स्नातक, महाराज जी इनमें क्या अंतर है? पुलाग बकुश निर्गंध निर्गंध स्नातक जो है, पांच प्रकार के मुनिराज हैं, ये शास्त्रों में बताए हैं। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ, ये इन सब की चर्या में थोड़ा बहुत अंतर है। पुलाग मुनि की कदाचित मूल गुणों में विराधना लग जाती है, बकुश के लिए उत्तर गुण में। कषाय के भी प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील के भेद से दो प्रकार के हैं। कषाय कुशील पूरी तरह निर्दोष होते हैं, प्रतिसेवना कुशील में यत किंचित विराधना हो जाती है। निर्गंथ वे होते हैं जिन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला है और केवल खुश ना। विकर सिंह जी शास्त्री तैयार रहेंगे, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आर के जैन महामंत्री कुंडलपुर, और सलील जी सराफ कोषाध्यक्ष कुंडलपुर कमेटी। पूज्य मुनिशंकर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। दो पंक्तियों के साथ मैं अपना पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रश्न रखूंगा कि जिनकी वाणी को सुन करके, हाँ जिनकी वाणी को सुन करके, हाँ समाधान हो जाता है, खुद से जो खुद को लख लेता वो ही प्रमाण हो जाता है, खुद से जो खुद को लख लेता वो खुद प्रमाण हो जाता है। पूज्यवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, आपके चरणों में ये प्रश्न है कि गुरुदेव, कई बार कहते हैं कि जो अपेक्षाएं होती हैं यदि उनका उपेक्षा हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन यदि जीवन में हम अपेक्षा ना रखें तो हमारा जीवन नहीं चलता, तो ऐसा क्या करें ताकि हमारी अपेक्षाओं का उपेक्षा ना हो और हमें कोई दुख ना हो? अपेक्षा रखना कोई बुरा नहीं है, और बिना अपेक्षा के जीवन चलता भी नहीं, और जहां अपेक्षाएं होती वहां उपेक्षा भी होती है। लेकिन अपेक्षा रखो, पर यदि उसकी पूर्ति ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना बंद कर दो। दूसरों की कोई अपेक्षा हो, यथासंभव उसे पूर्ण करने की कोशिश करो, किसी की उपेक्षा अपने तई मत करो, और अपनी अपेक्षा की कोई उपेक्षा करता है तो उपेक्षित महसूस न करो। जैसे तुम यहाँ आए हो,
अपेक्षा लेकर आए कि मैं आऊंगा तो मेरा नंबर तो आ ही जाएगा, और लग भी गया। मान लो तुम्हारा नंबर नहीं लगा होता तो दूसरे दिन, बोलो दूसरे दिन आए थे, मन मायूस हो जाता। अरे महाराज, कम से कम इतना तो ध्यान रखना था, बस ये गलत। आप जितने आए, बहुत लोग अपेक्षा लेकर यहाँ आए हैं कि आज तो मेरा नंबर आ ही जाएगा। आज महाराज कह रहे सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है, और उन लोगों को आज प्राथमिकता जो जिनको तीन चार दिन में नंबर नहीं आया एक भी दिन। कई लोगों ने मुझसे भी कहा, महाराज एक सज्जन ने तो कहा, महाराज तीन दिन में न प्रश्न में नंबर आया न चौका में नंबर आया, सब तरफ खाली है ना। तो ये अपेक्षाएं तो होती, लेकिन सबको एक सोच हर संदर्भ में रखना चाहिए। मैं भी यहां बैठा हूं तो अपेक्षा लेकर के ही बैठा हूं, मैं निरपेक्ष नहीं बैठा। मेरी ये अपेक्षा है कि आप लोग धर्म लाभ लो, आपकी ये अपेक्षा है कि हमें धर्म लाभ मिले। इतने तक में कोई बुरा नहीं, पर मुझे उतना ही मिलना चाहिए जितना मैं सोच कर आया हूं, और मुझे तो मिलना ही चाहिए। तो क्या हो गया, एक दिन की बात है कि स्थान पर था, तो जो संचालन कर रहे थे मेरे कमरे के बाहर थे, भैया जी मेरा प्रश्न लिख लो, मेरा प्रश्न लिख लो। अब भैया जी कह रहे थे, भैया आज का कोटा पूरा हो गया। अरे मैं गुणायतन का ट्रस्टी हूं। मेरे कान में आवाज आई, ये क्या है, ये अपेक्षा का आग्रह। अतिरिक्त अपेक्षाएं जब मन में जुड़ती है तो मनुष्य को दुख पहुंचा देती है, है ना। मैं आया हूं, ठीक है, मैंने नाम लिखवा दिया, मेरा नंबर आएगा, लेकिन कई कई बार जैसे इस प्रश्न का उत्तर लंबा हो गया, ऐसे दो चार प्रश्न का लंबा उत्तर हो जाए तो इनकी लिस्ट तो धरी रह जाएगी। फिर महाराज से कहोगे महाराज, तो नहीं। उस समय सोच को पलटो, पॉजिटिव, किसी ने मेरी उपेक्षा की, ये आरोप की भाषा है, वो करना चाहता था पर कर नहीं पाया, ये सौहार्द की भाषा है। आरोप की भाषा से बचो, सकारात्मक सोच रखो। किसी ने कुछ नहीं किया, ये चार्ज लगाना बड़ा आसान है, पर अधिकतर होता यह है जिसे हम कहते नहीं किया वो कर नहीं पाता। तो बस इतनी सोच बना लीजिए, जीवन बदल। नमोस्तु। कुंडलपुर कमेटी के बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र भाई, सट्टू भैया और रानू जी, जो शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हुए गुणायतन से। गुरुवर के चरणों में भारतीय जैन मिलन सागर की ओर से नमोस्तु, मुनिवरों के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, हम मेरी शंका है कि हम जिन प्रतिमा का अभिषेक प्रासुक जल से करते हैं, वर्तमान में विदेशों में बहुत से जैन मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पर कुओं की उपलब्धता नहीं है, तो क्या उनका जल से जो अभिषेक किया जाता क्या उचित है? देखिए, विदेशों में बहुत जगह मंदिर बने हैं और सब जगह बारिश के पानी से अच्छा अभिषेक हो रहा है, और वहाँ हमारे यहाँ से ज़्यादा बारिश होती है, आराम से होता है, व्रतियों का व्रत भी पलता है और बारिश से भगवान का अभिषेक। और आप लोगों को एक सलाह दूंगा, अपने मंदिरों में भी बारिश के पानी का स्टोरेज कीजिए, अमृत कुंड बनाइए, उस पानी से अगर आप भगवान का अभिषेक करेंगे प्रतिमा एकदम चमकती मिलेगी, एक हल्की सी दाग भी नहीं, वो डिस्टिल्ड वाटर। नमोस्तु गुरु। ये प्रयोग सब जगह करना चाहिए, और अब धीरे धीरे कुएं खराब होते जा रहे हैं, आप लोग अगर इस पानी का प्रयोग करने लगे तो बहुत अच्छा है। आपके सागर में भी महेश जी हैं उपकार वाले, अपने अपने घरों में, शायद राजा ने भी कर लिया, अमृत कुंड बना लिया, बहुत लोगों ने कह रहे, आनंद ने भी कर, सबको अपने घरों में अमृत कुंड बनाना चाहिए ताकि आपको शुद्ध जल की उपलब्धता हमेशा होते रहे। चलिए,
नमोस्तु सुरेंद्र जी सट्टू रानू जैन शिरोमणि सरक्षित गुणायतन और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज सागर में इतना बड़ा कार्य है आप लोगों ने देखा गुरुवर के आशीर्वाद से पूरा परिवार उनके पूरी कमेटी तैयार है कि अरविंद जी जैन भूसा वाले और साथ में ही जो मंदिर निर्माण कमेटी के में जो जुड़े हुए हैं वे सभी नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक साथ बोलो। आचार्य श्री कृष्णानंद में 22 साल पहले जब सामान्य इंद्र राणी बने तभी से बहुत भावना भाई थी कि आचार्य श्री जी के सानिध्य में सौधर्मिंद की सची इंद्र राणी जरूर बनना है। और महाराज जी हमने मतलब सबकी बहुत अनुमोदना की, अगर कोई भी सौधर्मिंद्र की बोली या कुछ भी लेता तो बहुत अनुमोदना की। और महाराज जी दो आचार्य श्री के सानिध्य में 2022 में सौधर्मिंद की सची इंद्र राणी बनने का सौभाग्य भी मिल गया। फिर भावना भाई कि अब व्रती बनना है, व्रती बनकर समाधि मरण हो इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, कृपया शंका का समाधान। बहुत बहुत उत्तम भावना है आपकी, इस उम्र में सौधर्मिंद्र और सच्चा इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला और सबसे अच्छी बात व्रती बनने की भावना, तो जिस भावना ने आपको सच्ची इंद्राणी बनाया वही भावना आपको व्रती बनाएगी, इसलिए नित्य भावना भाव और थोड़ा अपने जोड़ीदार को और मजबूत बनाओ। महाराज जी उन्हीं का सपोर्ट रहता बहुत है चीज में। बहुत हाँ। नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जो अब नव निर्माण में आ गया है, ऐसे आज जिसका शिलान्यास भी बहुत भव्यता के साथ में सागर वालों वो भी आ जाए, आशीष चैनपुरा और आशीष नायक और आपके जाकर मड़ावरा वाला परिवार एक बार आ जाए और जो है सब एक साथ आ जाए। आ जाइए, देखिए आज ये बहुत अच्छा शुभ संयोग बना, कल चर्चा हुई थी और यहाँ के जिनालय के शिलान्यास की भावना इन लोगों ने प्रकट की, मुझे ये कहने में बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इन लोगों ने बहुत बहुत उदारता का परिचय दिया। तीन वेदी तीन शिखर से युक्त इस मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया, जिसके मूल वेदी में अरविंद जी महेंद्र जी भूसावाला का परिवार थोड़ा सामने आ जाओ, दूसरी ओर से आशीष आकाश चैनपुरा वाला परिवार आगे आ जाओ और तीसरे के लिए आशीष नायक परिवार, कहाँ आशीष है नहीं है, नहीं है ये परिवार, और पूरे हर घर ने अपना बहुत उत्कृष्ट सहयोग प्रदान किया और आज एक सुयोग और बन गया। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जो भूखंड इनका था अब वो डबल हो गया, और अब जब सुबह मैं शिलान्यास के लिए गया था तो वो लग रहा था कि बनेगा जरूर लेकिन कसर हो जाएगी, लेकिन आज बहुत प्रसन्नता है। जिसकी उम्मीद इन लोगों को बहुत छीन थी पर इन सब के पुण्योदय से वो असंभव काम भी संभव हो गया और अब 46 फीट बाई 80 फीट का पूरा भूखंड हो गया। अब मंदिर बनना है तो भैया अब काम डबल हुआ तो दाम भी डबल करना होगा, करना पड़ेगा ना, नहीं तो चिंता आएगी, आज ही दाम देना आप लोगों को। तो ये तो सभी लोगों को मैं पूरी कमेटी को कहूँगा तत्परता से जुटे, संकल्पित तो सब आप लोग हो ही गए, समर्पित भी हैं, काम को गति दे, और पूरी सागर समाज से कहूँगा इस कार्य में अपना कोई न कोई अंशदान जरूर दे। जिस मंदिर के निर्माण के आप साक्षी बन रहे हैं, जिसके शिलान्यास में आप उपस्थित हुए हैं, अभी भी जो है शिलान्यास में ही उपस्थित है समझिए, कार्यक्रम भी उसी के निमित्त है, एक व्यक्ति सभा में उपस्थित ऐसा न बचे जो इस मंदिर के निर्माण में अपनी अपनी शक्ति के अनुरूप कोई अंशदान न दे, जो तुम अधिक से अधिक दे सको दो, ताकि कल जब मंदिर बनकर खड़ा हो तो तुम्हें लगे कि इस मंदिर में मेरा भी कोई योगदान है। ये अच्छे कार्य कहीं पर भी हो उसमें अपने को हिस्सा लेना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए इनके तो पुज गए, इनको तो जितना होना था हो गया, महाराज ने खूब करा दे, अब क्या करें इनको देखे, नहीं, दुनिया ने कितना भी दिया ये अर्थपूर्ण नहीं है,
मेरा क्या लगा, ये अर्थपूर्ण। दुनिया से लगा, दुनिया क्या लगाया, कोई पूरा मंदिर बना दे तो हम क्या ताली बजाते रहेंगे। मेरा क्या लगा, हमेशा ये सोच रखोगे तो वह पुण्य संचय करने का शुभ अवसर मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अगला। हाँ सवाल तो हुआ ही नहीं, बोलो खड़े हो जा। एक हमारा वो था कि ये पुण्य की जो है ये मंदिर बनाने में जो पुण्य मिलता है उसका थोड़ा सा आज सुबह मैंने बताया था ना कि मंदिर, कल ही बताया था मंदिर बनाने का पुण्य क्या है। जब तक ये मंदिर है उस मंदिर में जितने लोग पूजा अर्चा करेंगे उसके पुण्य का छठवां हिस्सा उनको मिलेगा जिनने मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। और महाराज जो मंदिर में दान दे वो सबको, योगदान देना वाला बोला, बनाने वाला नहीं बोला। योगदान में पैसा न देके जो मेहनत कर रहा उसको भी पुण्य मिलेगा। ये मत सोचना पैसा केवल पुण्य पैसा वालों को मिलता है, दान से बड़ा योगदान होता है, इसका ध्यान रखो। अपने बीच में दैनिक भास्कर के सागर के संपादक राजेंद्र जी दुबे यहाँ पर उपस्थित हैं और वो भी अपना प्रश्न रखेंगे। पहले भी आए थे लेकिन मौसम खराब होने के कारण उस दिन अपना प्रश्न नहीं रख पाए थे। उसके बाद में डॉक्टर सौरभ जी जैन भाटोदय तीर्थ, और मैं चाहूंगा दिगंबर जैन समाज सागर की तरफ से उनका सम्मान भी वहीं पर कर दिया जाए। मुकेश जी डाना व्यवस्था बना ली जल्दी से। राजेंद्र जी दुबे संपादक दैनिक भास्कर जयपुर सागर। नमस्ते महाराज जी। मेरी एक शंका ये है कि हम बचपन से हम लोग ये बात सुनते आए हैं कि, और ऐसा कई मौकों पर अनुभव भी किया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो सवाल ये है कि क्या हमें हमारी सरलता छोड़ देनी चाहिए, और अगर सरलता न छोड़े तो इस जीवन में जो समस्याएं हैं उनका, चुनौतियों का हम सामना कैसे करें। देखिए बात बिल्कुल सही, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करना कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ कहीं अगर घी निकालने की संभावना है उंगली टेढ़ी कर लेना, लेकिन जहाँ खून निकालने की संभावना हाथ से कोड़ लेना। बात को समझिए, अगर किसी की भलाई होती है तो हमें उंगली टेढ़ी करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन किसी को सताने के लिए उंगली टेढ़ी करना ठीक बात नहीं। दूसरा, आपके सवाल का दूसरा पहलू है, किसी चुनौती का सामना हमें करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, आततायी आक्रमणकारी को सबक सिखाना आपका कर्तव्य है जी। अन्यथा अनाचार बढ़ जाएगा जी। रामचंद्र जी ने रावण के साम्राज्य को पाने के लिए लंका पर चढ़ाई नहीं की, रामचंद्र जी ने धरती की मर्यादा को बचाने के लिए लंका पर चढ़ाई की। तो बस ये दृष्टिकोण हो तो कोई बुराई नहीं, आदर्श राम का हो रावण का नहीं, बस ये अंतर होना चाहिए। उंगली राम ने भी टेढ़ी की और रावण की भी टेढ़ी हुई, लेकिन रावण मानव जाति पर कलंक बन गया और राम सबके जगत पूज्य आदर्श बन गया। तभी इनका ध्यान रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार जोरदार करतर ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए। डॉक्टर सौरभ जी जैन MD मेडिसिन भाटोदय तीर्थ, जो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे डॉक्टर साहब। और उसके बाद में तैयार रहेंगे हमारे बीच में आज कपिल जी मलैया, जो द्रोणगिरी के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ आपके समाज के महामंत्री भी हैं, कपिल जी मलैया। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सीधे सवाल कर, हाँ सीधे सवाल कर लीजिए जल्दी से, टाइम बचेगा। गुरु जी सवाल से कहीं ज़्यादा एक अनुभव मैं साझा करना चाहता हूँ कि मैं प्रायः अपने प्रिस्क्रिप्शन पर यदि कोई भी ऐसा पेशेंट, रोगी, मरीज जो मुझे ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से परेशान है, तो गुरु जी मैं उसको ऑन पेपर भावना योग का प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ और उसको बताता हूँ, कहता हूँ, उसकी प्रक्रिया भी बताता हूँ कि ये जो हम दवाइयाँ देते हैं, एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ देते हैं, जैसे उसकी हिस्ट्री लेने से हमें कुछ समझ में आता है कि ये पेशेंट
डिप्रेशन का शिकार है या कुछ ऐसा हमें अवसाद की स्थिति में लगता है, तो हम उनको ऑन पेपर भावना योग कहते हैं कि यूट्यूब से आप सर्च करके भावना योग कर सकते हैं। और मेरा अनुभव कहता है महाराज जी, जब जब भी मैंने जिन जिन भी पेशेंट्स को ऐसा ये भावना योग ऑन पेपर प्रिस्क्राइब किया है, जब वो फॉलोअप में मेरे पास आए हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक पूर्णतः स्वस्थ पाया है। कई पेशेंट्स में महाराज जी हमें एंटी डिप्रेसेंट दवाई देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, यहाँ तक कि इतनी भी बात हो गई। तो मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि भावना योग को मात्र एक योग जैसा ना समझें, ये वाकई में एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी कला है जिससे हम अपने मन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ये केवल मेडिटेशन तक ना सीमित रह के एक मेडिसिन की तरह काम करता है, तो इसीलिए इसका बहुत अच्छे से उपयोग करें। और कभी भी हमारा मन कभी भी दुविधा में पड़ता है, मैं इसको बड़े शॉर्ट में गुरुजी ऐसा कहता हूँ, जब मन कहीं अटक जाए, भटक जाए, लटक जाए, तब आपको भावना योग उपयोग चटक जाए जब चटक भी जाए गुरुजी, तो भी भावना योग जैसी कोई दवाई नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, ये किसी सामान्य व्यक्ति के उद्गार नहीं है, एक लब्ध प्रतिष्ठित MD मेडिसिन चिकित्सक के उद्गार हैं, जो अपने अनुभव से आप सबके बीच कह रहे हैं। और ऐसा केवल सौरभ जैसे डॉक्टर ने नहीं कहा, अनेक चिकित्सकों ने समय समय पर अपने अनुभव आप लोगों तक पहुंचाए, और बहुत सारे चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन में भावना योग लिख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी चिकित्सकों को कहूँगा, वे स्वयं भावना योग का प्रयोग करें और जनता को अपने प्रिस्क्रिप्शन में बताना शुरू करें, ताकि ये एक जनता के कल्याण का निमित्त बन सके और लोग इस त्रासदी से अपने आप को मुक्त कर सके। आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप स्वयं के जीवन में भावना योग का प्रयोग करें, ताकि आप अपने जीवन के दुख और दुविधाओं से बच सके, साथ ही औरों को भी प्रेरित करें, ताकि मानव जाति का कल्याण हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। कपिल जी मलैया अपना प्रश्न रखेंगे, उससे पहले एक सूचना आपको दे दूं कि वर्णी जी के द्वारा संस्कृत महाविद्यालय बनारस में स्थापना की गई, और उसमें बहुत सारे बच्चे प्रवेश भी चाहते हैं, तो बार बार 5-6 दिन से लगातार यह है आ रहा था हमारे पास में सूचना, लेकिन दे नहीं पा रहे थे। आज आपको बता रहे हैं कि जो भी उस महाविद्यालय में प्रवेश चाहते हैं, वे उस विद्यालय से वहाँ पर महाविद्यालय संपर्क कर लें, और महाराज श्री श्री चरणों में पूरे महाविद्यालय कमेटी नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद चाहती है महाराज जी कि हमारा यह महाविद्यालय और आगे जो हमारी संस्कृत देव भाषा है उसमें और तरक्की करके वह आगे बढ़ता चला जाए, ऐसी भावना के साथ सभी नमोस्तु कर रहे हैं। शारदाद महाविद्यालय हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मैं तो कहूँगा आज जितनी भी जैन संस्थाएं हैं उन सब का पितामह है। वर्णी जी की एक बहुत बड़ी देन, जो 1 रुपये के 64 पोस्टकार्ड के माध्यम से उन्होंने शारदाद महाविद्यालय की स्थापना की और बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वानों को उत्पन्न किया। कुछ दिनों से अब तक चल रहा है, मेरे ख्याल से 100 वर्ष करीब हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए, और चल रहा। बीच में लोगों की रुचि कम होने के कारण वहाँ बच्चों का प्रवेश कम हो गया, लेकिन अब कमेटी ने पुनः मुस्तैदी से आगे बढ़ कर के काम किया है, और वहाँ के जो मुख्य हैं, प्राचार्य हैं अमित आकाश, बहुत तत्परता से लगे हैं। और ये मुझे जानकारी मिली है कि आगामी 5 तारीख को इसका शिविर है, जिसमें बच्चों का चयन हो। आप चाहें कि आपका बच्चा प्रावीण्य के साथ इस दिशा में आगे बढ़े, तो जरूर इसमें भाग ले और उनसे संपर्क करके इसका लाभ। कपिल जी मलैया नमस्ते महाराज, अपना प्रश्न रख रहे हैं, उसके बाद में संजय कचौड़ी परिवार तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज किसी को कम नहीं चाहिए और किसी को गम नहीं चाहिए, इस माहौल में संवेदना और संतोष जैसे गुणों का संवर्धन कैसे हो? किसी को कम नहीं चाहिए और किसी को गम नहीं चाहिए, आपने पूछा इस माहौल में संवेदना और संतोष को कैसे जगाएं।
मैं कहता हूँ किसी को कम नहीं चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आपको जितना चाहिए प्रयास कीजिए, पर अपने आप को किसी से कम मत आकिए या हम किसी से कम नहीं कहना बंद कर दीजिए। समझ गए? कम नहीं चाहिए तो तुम्हें जितना चाहिए बोलो, पर हम किसी से कम नहीं हैं अहंकार करना तो बंद कर दो। ये मनुष्य को निष्ठुर बनाती है, इससे संवेदना नष्ट होती है। और गम है, गम नहीं चाहिए बहुत अच्छी बात है, तो अगर अपने आप को गम से बचाना चाहते हो तो खुशी से जीने की कला अपना लो, और खुशी से वही जी सकता है जो खुशियाँ बांटता है। जो खुद गम बांटेगा वो तो गमगीन ही रहेगा। तो यदि मनुष्य अपने उपलब्ध संसाधनों में संतोष रखना सीख जाए, प्राप्त को पर्याप्त मानना शुरू कर ले, तो उसका संतोष बढ़ेगा, और दूसरों को खुशियाँ बांटना या दूसरों की खुशियों का मूल्य समझ ले तो संवेदना बढ़े। आगे सीए सुदीप जैन सागर, संजय का जोड़ी शायद नहीं आए, उसके बाद में सीमा मनोज जैन साधना स्टोर से सागर। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। नहीं महाराज श्री, मेरे पर कोई प्रश्न नहीं, एक समाज को मार्गदर्शन के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम एक पहल नाम से संस्था चलाते हैं, इसके पहले भी 2022 में आपसे मैंने शिखर जी में प्रश्न किया था कि हमारी समाज साधर्मी के प्रति सहायता करने में उतनी तत्पर नहीं रहती जो अन्य कार्यों में रहती है, तो उस विषय में आपका पुनः मार्गदर्शन चाहूँगा। आपने आखिरी बार भी मार्गदर्शन दिया था, परंतु हम उसको लागू नहीं कर पा रहे, ना हमने समाज में प्रयास किया लेकिन वो उस स्थिति में नहीं पहुंच पा रहा, जहां पर सारी पहल संस्था की ओर से हम आपके चरणों में पुनः निवेदन करते हैं। बहुत अच्छा आपका प्रसंग आपने उठाया है। इसके बाद महाराज श्री का सवाल होगा। देखिए, आपने जो कहा कि साधर्मी की सहायता, ये हमारा परम धर्म है। मुझे याद है 1997 में हमने यहाँ पहल की थी और आचार्य विद्यासागर साधर्मी सहायता केंद्र अपन ने स्थापित किया था, शायद काम कर रहा है, बहुत सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से अनेक लोग हैं जो साधर्मियों की सहायता बहुत तत्परता से कर रहे हैं, और ये सबको करना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति समर्थ होकर के भी अपने साधर्मियों की उपेक्षा करता है तो उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आचार्य वीर नंदी महाराज ने अपने आचार सार ग्रंथ में लिखा है, जैनानाम आपद्गतांस्त तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा यो समर्थोपेक्षित स कथम समयी भवे। आपत्ति से ग्रसित साधर्मियों का सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए, जो समर्थ होकर के भी उनकी उपेक्षा करता है वो कैसा धर्मी है, वो कभी धर्मी नहीं हो सकता। आचार्य समंतभद्र महाराज का यह स्पष्ट उद्घोष है, न धर्मो धार्मिकैर बिना, धार्मिकों के अभाव में धर्म नहीं होता। जब तक धर्म है, धर्म तभी तक है जब तक धार्मिक है, तो धार्मिकों को संरक्षण देना हमारी जिम्मेदारी है। जब तक समाज सुरक्षित नहीं होगा, धर्म भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संपुष्ट करता है। अगर हम धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो धर्मी को गले लगाने की कला सीखनी चाहिए। जब तक हम धर्मी को महत्व नहीं देंगे तब तक हम धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। ये तो हमारी संवेदनहीनता का ही द्योतक हो जाएगा, और ऐसे व्यक्ति के सम्यक दर्शन पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए जब कभी ऐसी बात आए हमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार साधर्मी सहायता के लिए भी सहयोग देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ मंदिरों में भी एक फंड होना चाहिए, साधर्मी सहायता फंड। आप दान अंगीकार करते हैं तो उसमें मद लिखिए,
साधन में सहायता फंड का, और मंदिर के गुल्लकों में एक गुल्लक रखिए जो साधर्मी सहायता का हो, वो राशि कभी भी हो तो केवल साधर्मियों को दे, और किसी को सहयोग दे तो इस तरीके से दे कि किसी को पता भी न लगे, उसका मान सम्मान बचा रहे। मुझे याद है जब कोविड के टाइम में मैं यहाँ था, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा उसमें लिया, आपके महेश भाई तो इस कार्य में बहुत आगे लगे रहते हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा रखते हैं। उस समय आनंद भी बहुत सक्रिय थे और सुरेंद्र भी सक्रिय थे, और ये बहुत अच्छे से सहयोग किया। लेकिन कोई घटना घटने तक इसे सीमित नहीं रखना चाहिए, इसमें निरंतरता रखनी चाहिए, और इस निरंतरता का एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया है आर के मार्बल अशोक जी पाटनी ने अपने आर के फाउंडेशन से, जो पिछले अनेक वर्षों से, 20 वर्ष हो गए होंगे बल्कि उससे भी ज़्यादा, हमारे पूरे देश भर के साधर्मियों की सहायता मुक्त हस्त करते हैं। अनेक विधवाओं को, अनेक परित्यक्ताओं को, अनेक निराश्रिताओं को वो पेंशन देते हैं, अनेक लोगों की पढ़ाई और चिकित्सा के लिए काम करते हैं। 2016 में जब मैं उनके किशनगढ़ गया, उनकी फैक्ट्री में था, ऑफिस में, तो उस ऑफिस में उनकी टेबल पर कुछ फाइलें रखी थी, इतनी सारी फाइलें होगी। अशोक जी ने कहा, महाराज बस मेरा इतना ही काम। मैंने कहा, ढेर सारी फाइलें? बोले, महाराज सप्ताह में 2 या 3 दिन बैठता हूँ और ये जितनी फाइलें दिख रही है इसमें एक भी मेरे बिजनेस की नहीं है, ये सब लोगों की देश भर से आई हुई एप्लीकेशन की फाइल है, और मैं इनको देखता हूँ, सबको सेंशन करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया कि साल का आपका इसका कितना लग जाता होगा, उनने कहा, आज तक मैंने कभी हिसाब ही नहीं जोड़ा, नहीं तो अहंकार आ जाएगा कि कितना लगा। मैंने उनके CFO से पूछा, उनने जो फिगर बताया मैं इस मंच से नहीं बताना चाहता, पर बहुत बड़ी दान राशि उनके दान राशि नहीं सहयोग निधि वे समाज के लिए समर्पित कर। अगर ऐसा हमारे समाज का हर धनपति अपना ले तो समाज में एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं हो सकता। और केवल आर्थिक सहयोग ही सहयोग नहीं है, हर व्यक्ति को कई तरीके का सहयोग दिया जा सकता, बिजनेस टू बिजनेस मोड से भी आप कई लोगों को खड़ा कर सकते। पहल से मैं कहूँगा ऐसी पहल करें, लोगों को काम मिले, हम लोगों को सहयोग न दें, लोगों को सहयोग देने लायक बनाए, इस तरह से संरक्षण दें कि वो लोगों को सहयोग दे सके, समर्थ हो सके। कुछ लोग कुछ पैसों का सहयोग देकर अपने कर्तव्यों की पूर्ति माने लेते हैं, पैसों का सहयोग केवल उनको दो जो कुछ करने के लायक नहीं है, जो करने का लायक करने के लायक है उनको इतना संबल बढ़ा और प्रोत्साहन दो कि वो 1000 को सहयोग देने में समर्थ हो जाए, ये प्रयास करना चाहिए। नमस्ते। प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी माइक पूज्य महाराज श्री जी की ओर लेकर जाता हूँ, और पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन, आप लोग भी हाथ जोड़ लें कि महाराज जी आप अपनी माइक। एक मेरे पास सूचना दी है, दिखा दो। मुकेश जी अभी मेरे पास आए हैं, एक कोई बूढ़ी अम्मा ने, यहाँ आजा बुला लो, यहाँ आजा आजा आजा, इन्होंने यहाँ के मंदिर से प्रेरित होकर, नाम क्या? विमला जी टड़ा। हाँ, जोरदार ताली बजाओ, दिखा। विमल और विमला, बताओ, अपनी दोनों चूड़ियां उतार कर यहाँ के मंदिर के लिए समर्पित कर दी। तुम्हारी हाथ की चूड़ियां तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर वाले उतार लेंगे, हो सकता कान भी काट ले, लेकिन भगवान के दरबार में जो लगेगा वो शाश्वत हो जाएगा। बहुत सार्थक पहल की है, जिनको भी इसमें योगदान देना है जरूर दे सकते हैं। चले दे जाओ, इसको सुरक्षित। हाँ बोलिए। हमारा श्री जी चरणों में निवेदन कि वे अपना जो है प्रश्न के रूप में हम सबको जिज्ञासा से भी समाधान से भी शांत करें।
मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए तीर्थंकरों के समोह शरण में यदि 100,000 मुनिराज होते हैं तो 300,000 आरिकायल होते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र हम देखते हैं धर्म सभा अथवा धार्मिक अनुष्ठानों में जितनी पुरुषों की संख्या होती है उससे कई गुना अधिक स्त्रियों की संख्या होती है। धर्म क्रियाओं में भी आगे रहती हैं, किंतु जब धर्म ग्रंथ हम पढ़ते हैं तो धर्म ग्रंथों में प्रायः पुरुष वर्ग के अपेक्षा से ही कथन होता है। जैसे कि 5 महाव्रत की भावना में कहा कि स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण, या जब भावना योग करते हैं तो आप भी कहते हैं यदि मैंने माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो। लेकिन महिलाएं चूंकि धर्म ज़्यादा करती है वो इसी बात को दोहराएंगी तो वो कैसे अपना। तो प्रायः धर्म ग्रंथों में पुरुषों की मुख्यता से ही कथन क्यों होता है, चूंकि धर्म तो महिलाएं ज़्यादा करती हैं। ये कहें कि मैंने पुरुष वर्ग को बुरी दृष्टि से देखा हो तो ये ज़्यादा उचित होता। और आचार्य जब ग्रंथ रचते हैं क्यों ना महिलाओं की मुख्यता से उन्होंने ग्रंथ क्यों नहीं रचे, चूंकि धर्म तो वे ही ज़्यादा करती हैं। कृपया समाधान करने के बहुत सबसे पहली बात तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 1:3 भगवान के समोह शरण में भले रहता हो पर सागर में तो कुछ भिन्न दिख रहा है। यहाँ पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है, है ना? अगर है, हालांकि पलड़ा इनका भारी है, 60-40 का जरूर हो सकता है, लेकिन ये सागर समाज के उत्साह का द्योतक है। आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी ग्रंथ है लिखा जाता है उसे पुरुषों की ही प्रधानता से क्यों लिखा जाता। मुझे इसमें 2 कारण समझ में आ रहे हैं। पहली बात कि आचार्यों ने ग्रंथ लिखा, तो ग्रंथ जो लिखा जाता है किसके लिए लिखा जाता है, केवल पर के कल्याण के लिए नहीं, स्व के कल्याण के लिए। तो उनने जो ग्रंथ लिखा स्व संबोधन के लिए लिखा, तो अपने संबोधन के लिए लिख दिया, उनने अपने आप को संबोधन दिया, उससे दूसरे संबोधन पाले। भावना योग हमने तैयार किया तो हमने अपने लिए किया, आप फायदा उठा लो तो बात अलग। और आप लोग भी कहते हो आपका भावना योग, क्या कहते हो आप लोग, आपका भावना योग हमने अपने लिए तैयार किया तो मैं तो अपने लिए संबोधन दूंगा ना, है ना? तो एक कारण तो ये है। अब दूसरा, महिलाओं के लिए अलग से क्यों नहीं कर दिया, तो मैं तो ये कहता हूँ जो बिगड़ा हो उसको उपदेश दिया जाता है, और बिगड़ैल को उपदेश देने से समझदार खुद समझ लेता है हमें क्या करना है, समझ गए ना? एक को डांट पड़ती है तो समझदार बिना डांट के ही समझ जाता है, समझ गया? तो जो बिना डांट के समझ रहा है उनको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये लोग तो तुम लोगों को देख के ही समझ जाती हैं, तो तुम लोग ऐसे बनो कि वो समझ बनाए रहे, और उनकी समझ बनी रहेगी तो तुम्हारी संहार भी बनी रहे। अभी जैसा ही सुना कि आज यहाँ पर ये मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है, और उसमें अभी एक जो माँ जी आई विमला जी, तो यहाँ पर भाव बने और अनंतानंद सागर जी महाराज की पूर्व अवस्था की जो धर्म पत्नी, उन्होंने अपनी दोनों सोने की ये जो चूड़ियां उतार के यहाँ पर दे दी। गुणायतन के तीनों बेटे ट्रस्टी हैं, प्रदीप जी, प्रमोद जी, प्रशांत जी, तीनों के तीनों जो है जिनके हमारी 2 पीछे इनके घर में गई है, ऐसे प्रदीप जी की मातेश्वरी, उनका सम्मान भी यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। और साथ में ही जो हमारे बीच में दैनिक भास्कर के संपादक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी साहित्य और यहाँ की ट्रस्ट कमेटी जो है उनका सम्मान करना चाहती है। हाँ, वो सम्मान भी का क्रम चलता रहे। और तब तक पीसी नायक जी अपना प्रश्न रख दें। चलिए बोलिए महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कष्ट और दुख में क्या अंतर है। ऐसा पढ़ा है कि कष्ट वेदक भाव होने से बंध का कारण नहीं है, जबकि दुख वेदना भाव होने से बंध का कारण है। उदाहरण जैसे गर्भवती माँ को कष्ट होता है, दुख नहीं होता। महाराज जी, इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न और है
कि जब हमारे शरीर में शल्य चिकित्सक के द्वारा किसी शरीर के अंग को बेहोशी के द्वारा शून्य करके जब ऑपरेशन किया जाता है तो ना उस समय कष्ट होता है ना दुख होता है। तो ये ऐसी स्थिति में जो राहत हम महसूस करते हैं, क्या ये राहत की कोई कीमत हमें चुकाना होती है? मेरे दोनों देखिए, पहला सवाल कष्ट और दुख में क्या अंतर? कष्ट एक घटना है और दुख एक संवेदना। सिर में दर्द होना कष्ट है, पीड़ा होना कष्ट है, और अपने आप को पीड़ित महसूस करना दुख। कोई जरूरी नहीं है कि पीड़ा होने पर हम अपने आप को पीड़ित महसूस करें, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सिर दुख रहा हो, लेकिन अभी उनको उसकी अनुभूति नहीं क्योंकि वो मगन होकर शंका समाधान सुन रहे। तो पीड़ा होना एक घटना है और पीड़ा का अनुभव करना एक परिणति। तो हम अपने आप को इस तरह तैयार करें कि कष्ट में भी मस्त रह सके, समझ गया? दूसरी बात, शल्य क्रिया के काल में जो हमें संवेदना नहीं होती, इसकी वजह केवल यही है कि हम अपने तंत्रिका तंत्र के संबंध को कम कर देते हैं और उसके कारण उतनी देर तक संवेदना नहीं होती। तो मैं इसे दूसरे संदर्भ में कहता हूँ, हम रासायनिक प्रयोग के द्वारा संवेदना को कम करते हैं, यदि अपनी सोच को बदल दे तो अपनी वेदना को भी कम कर सकते हैं। हमारे साथ शांतिलाल जी बाबा जी थे, उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, और उनको डॉक्टर भी ऐसे ही मिल गए। आपके रांची के डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका? हाँ, डॉक्टर अग्रवाल थे, जी सी अग्रवाल, ऐसे नाम, घनश्याम दास, जी डी अग्रवाल, घनश्याम दास अग्रवाल। वो डॉक्टर भी बोले महाराज मैं करूँगा, जैन थे वो, और मैं करूँगा। उनने बोला मैं ना तो इंजेक्शन लगवाऊँगा ना कोई एनेस्थीसिया करूँगा। अब हर्निया का ऑपरेशन कितना बड़ा होता है, और उनने अपने उपयोग की धारा को परिवर्तित किया और कोई वेदना नहीं हुई और जीरो इंजेक्शन से ठीक हो गए। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसी दृष्टि हम बदल सकते हैं, हम चीज़ों को उसी अनुरूप करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और समय आप सबका हो गया, जो माता जी ने आज थोड़ा आगे ले आओ, उनका सत्कार कराइए जल्दी से, जिन्होंने अपनी चूड़ियाँ यहाँ पर अर्पित की। जल्दी से एक कोई महिला आ जाए, जल्दी कर ली, हो गया, हो गया, चलिए बहुत बहुत। अब हम लोग यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे, आज का रात्रि विश्राम देवोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में होगा और कल हम लोग प्रातःकाल सिहोरा में पहुँचेंगे और कल के शंका समाधान का कार्यक्रम भी सिहोरा में ही होगा, उसके समय की सूचना आप लोगों को समय पर दे दी जाएगी। चलिए यहीं पर आप